मारपीट के बाद इलाज के दौरान एक युवक की जान जाने से परिवार में कोहराम मच गया और उन्होंने शव को एसपी ऑफिस के सामने रखकर जाम लगा दिया और खूब हंगामा किया। परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हम आपको बता दें कि बिजनौर के गांव गड़ाना के रहने वाले 20 साल के आकाश पुत्र मंगू की इलाज के दौरान कल ऋषिकेश में मौत हो गई थी। देर रात को ग्रामीण शव को एम्स से लेकर बिजनौर पहुंचे और एसपी आवास के सामने शव को रखकर जाम लगा दिया गया। परिवार का कहना है कि 28 दिसंबर को गांव गड़ाना में ही दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हुए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों के कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। मारपीट में जख्मी आकाश को एम्स में भर्ती करवाया गया। परिजनों द्वारा जाम की खबर पर मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने परिवार को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर परिजन माने और आकाश के शव को वहां से हटाकर अपने गांव ले गए। चार आदमी जाओ, चार बस कहाँ के रहने वाले हैं आप? अहमदपुर चंद्रपुर गड़ाना का। ये आज सरकारी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है, क्या है पूरा मामला? साहब गांव में मेरे लड़के को ख़त्म कर दिया गया मार मार का विवाद ऐसा थी। कभी हमारे यहाँ हमारी पोती का जो शुरू में एक फंक्शन था छोटा सा छठी, उसमें जो हमारे आपसी में बोलचाल हो गई। बोलचाल होने के बाद जो शाम को हम थोड़े बहुत बोल ले, बोलचाल का दोनों तरफ से चुप हो गए। सवेरे मैं काम पर अपनी ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी में जाते हुए नितिन और एक लड़का उसके साथ था गांव का ही, मैं नाम पता नहीं है, दूसरे मोहल्ले का था। लेकिन साहब उसके बाद इन्होंने मेरा रास्ता घेरा, मेरे आगे बाइक लगा ली। बाइक लगाने के बाद इन्होंने कहा कहाँ जा रहा बहन के लड़ो, तू रात जो कल देर था बता। मेरी कनपट्टी को जो इन्होंने तमंचा रख दिया निकाल कर नितिन ने, मैं साहब घबरा गया। मैंने जो कुछ गाँव के व्यक्तियों को माननीय को फ़ोन करा, फ़ोन करने के बाद बोल रहे भाई ठीक है शाम को आ जाना, बैठा उठा के फैसला कर लेंगे। फैसला करने के बाद मैं फैसले करने के लिए आदमी इकट्ठे करने जैसे मैं घर से निकला, इन्होंने वो तारीख मैं शायद बोल रहा हूँ सर, उस तारीख को मुझे पकड़े और इन्होंने पकड़ कर वहीं मारना मेरे घर चालू कर दिया। मेरे घर पे जो इतनी तकड़ी वारदात हुई, बहुत तकड़ी। जब दोनों तरफ से साहब रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होने के बाद जब दोनों पार्टियों मेरा एक भतीजा है धर्मेंद्र, उसके पैर की हड्डी टूट गई, बिल्कुल पैर अलग कर दिया गया। मेरी घरवाली की जो पसली टूट गई, उसके बाद हमने जो अपनी तहरीर दी थाने में देने के बाद वे जो हों अपना कुछ दिनों के बाद उन्होंने जमानत करवा ली। जमानत करवाने के बाद जमानत से कोई 4-5 दिन बाद ही इन्होंने मेरे साथ घर आए। घर बोले मुस्ताक का घरवाली सर अना कहाँ तेरा लड़का हिमांशु, भाई घरवाली हमारी डर गई। जब उसके हाथ में हथियार देख के, एक धार वाले हथियार थे, लठिया डंडे थे और तमंचा भी था। तमंचा जब देखा घरवाली ने, हमारी घरवाली गई घबरा, मेरे लड़के को मकान में खींचा, मकान में खींच के वहीं मारना चालू कर दिया। मार आकांश को, जो कि मेरा लड़का आज मर चुका है। और उसके बाद मैं जो अपने लड़के को बिजनौर लाया, या तो मेरे लड़के को रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद मेरा लड़का जो बेहोश हो गया, बेहोश होने के बाद कोमा से पहुंच गया। आज सवेरे मेरे लड़के की मृत्यु हो गई है।
आपने इस बारे में पुलिस को सूचना दी है कि आपका लड़का खत्म हो चुका है? मैं तहरीर थाने में देखकर जब गया था, लेकिन तहरीर में साहब मेरी तहरीर दो, मैंने कहा मैं मेरे लड़के की हालत ख़राब है, मैं तहरीर अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले अपने लड़के को देखूँगा। लेकिन वहाँ एक दीवान ने मुझसे कहा पहले अपनी एप्लीकेशन लिख कर जाओ। मैंने कहा साहब मैं एप्लीकेशन लिखने की सुध में नहीं हूँ बिल्कुल भी। बोले ना लिख कर जाओ, वहाँ तो डॉक्टर करेंगे इलाज। मैं साहब मुझे जो वहाँ थाने में बैठा लिया 1.5-2 घंटा, मुझे जो डराया धमकाया गया, उसके बाद मैंने एप्लीकेशन उन्होंने लिखी। लिखने के बाद मुझसे बोले ना भाई तुम्हारी एप्लीकेशन लिखी गई है, तुम साइन कर दो यहाँ पे।